अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज आपका भाई एक नए दिन और एक नए व्लॉग और एक नए दिन और एक नए मोटो व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो व्लॉग है बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग था। मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसा आप लोगों को पता ही है कि अभी रिसेंटली मैं एक ट्रिप होकर कराया था, क्या नाम है, नॉर्दर्न थेस्मेनिया में, जहाँ पे दो नेशनल पार्क थे वहाँ का विजिट किया था। एक था आपका क्रेडल माउंटेन और दूसरा था आपका बेन लमोंड, जो वहाँ पे हमने स्नोई माउंटेन को एंजॉय किया था। वहाँ पे हमने टोबो गैंगिंग की थी, बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा ट्रिप था। तो मैंने सोचा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि जो लोग होबार्ट में अगर दोबारा कभी प्लान करना चाहें ऐसे ट्रिप को साथ, और या वो लोग जो मेलबर्न सिडनी से आकर यहाँ पे इंजॉय करना चाह रहे हैं टेस्मेनिया के अंदर इन पार्क्स में जाके इंजॉय, तो उनके लिए मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड करना ताकि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग यहाँ से जा रहे हो तो आप लोगों ने नेशनल पास एक बना लेना होता है, जो कि नेशनल पार्क के पास जो होता है उसमें जो एक पास होता है, एक डेली पास होता है, एक होता है वन ईयर का पास, और तीसरा होता है नेशनल जो ईयर एनुअल पास होता है। जो वन डे पास होता है वो मेरे ख्याल से उसकी प्राइस में, और वन ईयर का जो पास होता है उसकी प्राइस में $3-4 का फर्क है। तकरीबन वो $45-46 का वो पास है। दूसरा पास बनता है एनुअल फॉर ऑल पार्क, जितने भी तस्मेनिया में जितने भी पार्क हैं उनका वो पास बनता है, वो इट कॉस्ट यू अराउंड $91। उसके अंदर आप अनलिमिटेड टाइम्स जितनी दफा जिन जिन नेशनल पार्क में आप घूमने जाना चाहे आप आराम से घूम सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। तो वो पास जो है वो बड़ा हाईली रिकमेंडेड होता है। उसके बिना अगर आप जाएंगे गाड़ी पार्क करेंगे तो बहुत चांसेस है कि वहाँ की जो रेंजर्स होती है, जो नेशनल पार्क का जो अमला होता है, वो आपको फाइन दे देगा। तो फाइन की जो प्राइस है वो उतनी होगी जितनी आप जो आप बचाना चाह रहे थे, जो आप पास लेना चाह रहे थे, पास में जो बचाना चाह रहे थे आप पैसे, आपने वो पास लेना है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ जो मैं जो बात करना चाह रहा था वो बेसिकली मैं आज स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा हूँ आपसे जो क्रेडल माउंटेन और जो बेन लमोंड है, वो चूंकि होबार्ट से है तकरीबन कोई 4-5 घंटे की ड्राइव पर है। जो क्रेडल माउंटेन है वो तकरीबन 4.25 घंटे की ड्राइव पर है, और जो बेन लमोंड नेशनल पार्क है जहाँ पे स्नोई माउंटेन तक दिखाया था मैंने आपको व्लॉग में, वो तकरीबन को 3-3.25 घंटे की ड्राइव पर है। अच्छा, वो जो बेन लमोंड नेशनल पार्क है वो लॉन्सेस्टन से हार्डली 50 मिनट की ड्राइव पर है। तो अगर आप होबार्ट से ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर से निकलते हैं, या मतलब मैं अपना आपको बता रहा हूँ सजेशन, बाकी आप अपने हिसाब से उसको आप मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप घर से अगर निकल रहे हो होबार्ट से सुबह 6:30-7 बजे तो आप वो सजेस्ट कि आप सीधा क्रेडल माउंटेन चले। क्रेडल माउंटेन इज फार एज कम्पेयर टू द बेन लमोंड, तो तकरीबन आप बीच में कैंपबेल टाउन से रुकते हुए जाएंगे तकरीबन आपको 4.5-5 घंटे आराम से लग जाएंगे आराम से ड्राइव करते हुए। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे जो क्रेडल माउंटेन के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज देखने वाली है वो है आपका डोवर लेक। जो डोवर लेक है वहां पे आपके पास टू ऑप्शंस हैं, इधर आप ट्रैक करके जाओ, पैदल चल के जाओ, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप शटल बस ले लो। अगर आपके पास वो जो पास जो मैंने बताया, अगर वो पास आपके आपके पास होता है तो उसमें आपको अप टू 8 पर्सन, एक बंदे के पास अगर पास होगा तो 8 लोगों का अपने साथ लेके जाते हैं। अगर कोई बड़ी फैमिली आई हुई है कि पेरेंट्स आए हुए हैं, अम्मी अबू भाई वगैरह, तो आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं, आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। और अगर ऑन द अदर साइड तो आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो आप अपने दो फैमिली फ्रेंड्स, जो भी अगर फ्रेंड जा रहे हैं, दो गाड़ियों में 6-7 लड़के हैं जो 6-7 फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके साथ भी, एक बंदे के पास होगा तो वो आराम से उनको ले आते। तो उसमें क्या होगा, बस में आप आराम से बैठे, बस आपको लेके जाएगी और वापस भी उसे लेकर आएगी। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो आप वहां पे वो ट्रिप अपना फुल एंजॉय कर सकते हैं। और स्पेशली जब मैं बच्चों के साथ गया था तो मुझे थोड़ी सी मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी, क्योंकि मैं आराम से स्ट्रॉलर लेके बस में बैठा, आराम से इंजॉय किया। आपने ब्लॉग्स में भी देखा होगा जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, और आप वहाँ पे फुल इंजॉय करें करा के। उसके बाद आप आवर्ड से कि आप एक दिन कम से कम 2-3 दिन का ट्रिप प्लान करें अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप लॉन्सेस्टन वापस आए क्रेडल माउंटेन से, वो तकरीबन को 3-3.5 घंटे की ड्राइव है। क्रेडल माउंटेन के पास आपको अकोमोडेशन, होटल्स, एयरबीएनबी बहुत मुश्किल है कि आपको मिले, बहुत मुश्किल है, जो मिलेंगे वो काफी दूर मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप लॉन्सेस्टन आ जाएं, वहां पे आप आराम से होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स पे खाना वाना खाएं इंडियन रेस्टोरेंट्स में रात में, या एयरबीएनबी ले लें वहां पे अपना खाना बनाएं और फिर रात में आराम से यहाँ सोए। उसके बाद आपने भी देखा होगा दूसरे दिन जो मैं निकला था लॉन्सेस्टन से, तो मुझे मुश्किल से 50 मिनट लगे बेन लमोंड पहुंचने में। अब बेन लमोंड के अंदर भी एक बड़ी मजे की बात है, कहानी वो ये है कि बेन लमोंड के अंदर अगर आप जाते हैं ऊपर जहाँ पे स्नोई माउंटेन है, जहाँ पे जो टॉप उसका जो हिल है, वहां पे आपको नीचे जहाँ पे स्टार्टिंग होता है, जहाँ पे वो एक टर्न आता है, वहां पे आपको चेन मिलती है, टायर चेन रेंट करने के लिए। अब अगर आपके पास वो टायर अगर आप चेन
टायर चेन रेंट कर लेते हैं तो आपको $45 आपको उसके पे करने होते हैं। अच्छा हम ऊपर चले गए, हमें ऊपर जाके पता चला कि वो टायर के जो चेन है वो नीचे से मिलते हैं। अब हमने नीचे वापस आना बेकार समझा, हमने अब ऊपर मजीद जहाँ पे एक लोअर कार पार्क था उसके बाद फिर वहां से जो असल ड्राइव थी जो बेन लमोंट ऊपर की तरफ तकरीबन को 3.5-4 किलोमीटर की वो ड्राइव है जो ऊपर पहाड़ पे, वो बहुत स्टीप किस्म की ड्राइविंग है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है और उसके पास कोई नॉर्मल सेडान गाड़ी है तो उस किस्म की कोई एडवेंचर ना करे, क्योंकि नीचे एक तरफ पूरी खाई है। आपको नहीं यकीन आता मेरा ब्लॉग देखें, आपको मैं सब उसमें दिखाया क्लियरली कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप जो है उसको अवॉइड करें। वहां पे शफल्स चलती, शटल बस चलती है, शटल मतलब वो एक वहां पे लैंड क्रूजर पजेरो गाड़ियां चल रही होती हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं पर पर्सन 22.50। अगर आप फैमिली के साथ हैं, दो हस्बैंड और वाइफ, $45 होते हैं, उतने ही पैसे जितना आपने चेन में लगाया। प्लस मेरे साथ बच्चे थे, एक छोटा बच्चा उसका फ्री था, जो मेरी बेटी थी उसका उन्होंने आई थिंक 14 या 17 डॉलर्स वो मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, दैट्स इट। उसके बाद मैं बड़ा पीस ऑफ माइंड हो गया, मैंने इन्जॉय किया, मैंने ब्लॉग बनाया है, मैंने इधर उधर खूब इन्जॉय किया। आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको बहुत बहुत एहतियात से आपको टर्न लेने पड़ेंगे, कट लेने पड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा रिस्की है, तो बेहतर है। अच्छा वो जो 22.50 जो अमाउंट है वो बेसिकली रिटर्न है, उसमें आपको क्या होगा वो आपको ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ऊपर आपने देखा था कि एक वहां पे एक कैफेटेरिया था, वहां पे जाके आपको उसको पेमेंट करनी है उस बंदे को, और फिर वो आपको एक कार्ड दे देगा। वो कार्ड जो है वो आपने वापस जब आप 2-3-4-5 घंटे जब भी आप वहां पे फ्री हो जाए, इवन कि आप वहां पे रात में स्टे भी कर सकते हैं, वहां पे कुछ छोटा सा एक रिजॉर्ट मैंने बनाया हुआ था, वहां पे आप रात को रह सकते हैं। अगर आप दूसरे दिन वापस नीचे आना चाहते हैं, आप दूसरे दिन आ जाए, आप वो कार्ड शो कर दीजिएगा उसको कि मैंने पेमेंट कर दिए, तो वो आपको वो नीचे लेकर आ जाएगा। उसके बाद आप वापस वहां से 50 मिनट की ड्राइव पे लॉन्सेस्टन है, इफ यू आर वांट टू स्टे इन लॉन्सेस्टन, या आपको डायरेक्ट ड्राइव करनी है होबार्ट के लिए तो आप जो है सीधा वापस होबार्ट आ सकते हैं। हार्डली 3-3.5 घंटे के अंदर आप होबार्ट पहुंच जाएंगे। मैं जो ट्रिप किया था वो बिल्कुल जो इसी तरीके से प्लान किया था कि हम यहाँ से निकले क्रेडल माउंटेन, क्रेडल माउंटेन से हमने वापस लॉन्सेस्टन, वहाँ पे हमने रात को स्टे किया, खाना वाना खाया आराम से, रात में सुकून से सोए अपना एयरबीएनबी के अंदर। नेक्स्ट डे हम उठे, वहाँ से 50 मिनट की ड्राइव थी, बिल्कुल फ्रेश होके उठे, कोई थकावट नहीं थी, आराम से हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ फुल एंजॉय किया। आपने ब्लॉग्स में देखा होगा मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे हम लोग 2 घंटे से ज़्यादा बर्फ में हमने खेला, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। कॉफ़ी हमने वहाँ पे पी आराम से, बच्चों ने फ्राइज वगैरह खाए, कैफेटेरिया में सब कुछ था, वेजिटेरियंस ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चीज़ पिज़्ज़ा मंगवा लें, सूप है वहाँ पे वेजिटेरियन वेजिटेबल सूप, वो आप इंजॉय करें पी सकते हैं। इस तरीके से आप ना वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद आप वापस अगर आप लॉन्सेस्टन पे रहते हैं तो लॉन्सेस्टन आ जाएं, या होबार्ट वापस आना चाहें तो होबार्ट भी वापस आ सकते हैं। अच्छा वो जो पास का जो मैंने आपको बताया वो पास से फ़ायदा ही हो जाएगा कि आप दूसरे किसी भी नेशनल पार्क में आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और वो अनलिमिटेड पूरे साल में आप कहीं भी जाएं। लेकिन अगर आप एनुअल लेते हैं ऑल नेशनल पार्क जो कि मैंने लिया हुआ है $91.76, वो उसमें ये हो जाएगा कि आप टेस्मेनिया के अंदर पूरे जितने भी नेशनल पार्क हैं हम हर जगह घूम सकते हैं, हर जगह आप इंजॉय कर सकते हैं, और अनलिमिटेड टाइम। अब समर आने वाला है, लोग अब निकलेंगे घूमने फिरने के लिए, इंशाल्लाह मैं भी और ट्रिप्स बनाऊंगा तो आप लोगों के साथ अपने साथ इंजॉय रखूंगा, आप लोगों को भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो बस ये थी आज की सारी कहानी, उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन दी है हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दुआ में बिल्कुल याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।